निफ्टी फ्यूचर 22 अगस्त में जो हाई बनाया था उसको तोड़ा और वापस से फिर से नीचे आके रुक गया है। अभी एनालिसिस करेंगे डेली चार्ट, वीकली चार्ट और आवरली और 15 मिनट सारे चार्ट्स को एनालिसिस करेंगे कल मार्केट कैसे हो सकता है इसे जानने के लिए। तो आप अगर डेली मार्केट चार्ट अगर देखेंगे, मार्केट लगभग 22 अगस्त में जो हाई बनाया था 18,000 उसको टच करके वापस गया नीचे 17,200 800 पॉइंट गिरा, उसके बाद फिर से 18,000 को आके टच किया हुआ है। अगर आप देखें तो ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस टूट चुका है, डेली कैंडल चार्ट ऊपर एक कैंडल बना चुका है। अभी जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको ये डाउट है कि यहाँ पर सस्टेन करेगा निफ्टी या वापस चला जाएगा। तो सिंपली इसको जानने के लिए हमको बहुत सारे मैटर्स के ऊपर फोकस करेंगे, जैसे कि ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग नहीं है, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, ग्लोबल मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इंडिया को ग्रो करने के लिए। लेकिन इंडिया में जो परचेजिंग कैपेसिटी है और जो प्रोडक्शन चल रहा है, जितना भी मॉनिटरी पॉलिसीज आ रही है ऑटोमेटिकली अपने खांचे में डालते जा रहे हैं। तो हो सकता है ये ब्रेकआउट आपको आने वाले समय में लाइफ टाइम हाई दिखा दे, 18,600 के पास जो गया था निफ्टी उसको भी तोड़ दे। तो कल का मार्केट हमको एनालिसिस करने के लिए पहले डेली कैंडल चार्ट में आगे देखेंगे तो 60 RSI को क्रॉस किया हुआ है, ऑलरेडी ब्रेकआउट जोन में पहुंच गया है। इससे पहले भी ब्रेकआउट हुआ था, वापस आ गया क्योंकि मूविंग एवरेज का कोई सपोर्ट नहीं था। 20 मूविंग एवरेज कल सपोर्ट करने के लिए आ जाएगा अगर कल मार्केट ऑफ जाता है। तो ऐसे हालातों में मार्केट क्या करता है, ये इसको आप डबल टॉप बता सकते हैं। डबल टॉप में क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है, एक रेजिस्टेंस बनाता है, नीचे आकर सपोर्ट लेके फिर से एक रेजिस्टेंस से वापस आ सकता है, ऐसे हालात भी बन सकते हैं। लेकिन डबल टॉप के जगह पर एक एक बार बहुत ही खूबसूरत चीज़ देखने के लिए मिलता है, गैप ऑफ ओपनिंग। यहाँ से मार्केट एक गैप ऑफ ओपनिंग देकर भी इसको तोड़ के जा सकता है। तो कल अगर मार्केट पॉजिटिव में खुला तो गारंटी गैप ऑफ ओपनिंग होगा और बहुत तेज़ी से 18,500 की तरफ भाग निकलेगा। उसी तरह मार्केट अगर नीचे के साइड में खुलता है और आपको बता दूं 17,800 का सपोर्ट अगर नहीं रख पाता तो आपको फिर से मार्केट में ये जो पहले वाले लोज हैं वैसा ही कोई लो देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, आवरली चार्ट को एनालिसिस करेंगे। आवरली चार्ट में भी मैं आपको ये रेजिस्टेंस क्लियरली दिखाई देगा, इस रेजिस्टेंस पे आके रुका हुआ है। आवरली कैंडल चार्ट में आपको एक क्लैरिटी देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ देखने को मिल रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जनरली कहा जाता है जितना हेड का वैल्यू होता है उतना रैली आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो 750-800 पॉइंट का यहाँ से रैली, मतलब 18,800, मैं तो 18,500 का टारगेट बता रहा था आपको, तो 18,800-400-500 का टारगेट आपका मिल सकता है अगर जंप कर लिया, नहीं तो नीचे आया तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी सपोर्ट डाला हुआ है। इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट कुछ दिन रह सकता है। 15 मिनट चार्ट देखेंगे, मार्केट खुला पॉजिटिव के तरफ भागने लगा फिर नीचे के तरफ आने लगा। अगर 15 मिनट चार्ट को हम ड्रॉ करेंगे तो अभी फिलहाल कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है। आपको अगर पैटर्न्स के बारे में आइडिया नहीं है तो हमारे कोर्स ज्वाइन करें, हम चार्ट पैटर्न इंडिकेटर्स कैंडल ये तीनों के एनालिसिस बताते हैं। ये राइजिंग वेज है, ये एक बेरिश पैटर्न है, अगर नीचे की तरफ तोड़ेगा तो मार्केट बहुत तेज़ी से गिर सकता है। 15 मिनट चार्ट में आप RSI को तेज़ी से नीचे जाते हुए देख सकते हो। आवरली कैंडल चार्ट में भी RSI आके 60 में सपोर्ट ले आए, तो अभी जो स्पीड कैंडल हैं वो सारे बेरिश हैं और जो स्लो कैंडल हैं वो सारे बुलिश हैं। तो फिलहाल न्यूट्रल दिखाया जा रहा है। यहाँ पर कल मार्केट में अगर पॉजिटिव ओपनिंग होता है तो तेज़ी बहुत लंबा रहेगा, नेगेटिव ओपनिंग होता है तो मार्केट ज़्यादा गिरने वाला नहीं है, इस रेंज के अंदर रहेगा, 17,800 या 18,000 के बीच में एक दो दिन आपका समय ले सकता है। चलिए अब इसको ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से थोड़ा जानते हैं कि कैसे मार्केट बिहेव कर रहा है। कल जब मैं मार्केट का ओपन इंटरेस्ट देख रहा था 18,000 का कॉल बहुत ही जोर से राइट हुआ था और यहाँ पे उसमें ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं हुआ है और आप भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे राइट हुआ है। नेक्स्ट लेवल जो सबसे ज़्यादा कॉल राइट हुए हैं ये 19 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन इंटरेस्ट में, वो है 18,500, इसीलिए मैं 18,500 तक मार्केट जा सकता है ये बता रहा हूँ। उसके साथ ही आप अगर नीचे के साइड में देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट 17,500 में कॉल का भी ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर डेटा इतना हमको समझा रहा है कि मार्केट बुलिश लोग तो हैं लेकिन 18,500 को कॉल शॉर्ट करना उतना तेजी भी नहीं दर्शाता। आज के
जितना भी ओपन इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उतना बुलिश नहीं लग रहा है, लेकिन पुट के साइड में जब मैं नज़र डालता हूँ तो पुट के साइड में आप अगर देखोगे 17,500 का पुट में बहुत जोरों से बाइंग हुआ है। क्यों? क्योंकि डबल टॉप करके मार्केट आया है, मार्केट अगर नया हाई बना के सस्टैंड करता तो मार्केट में रैली सुनिश्चित था, तो इसीलिए पुट में लोग एंट्री कर रहे हैं। हो सकता है कोई लोग एट द मनी कॉल, देखिए यहाँ पर बहुत ही ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, हो सकता है एट द मनी कॉल को शॉर्ट करके या फिर एट द मनी कॉल को बाय करके पुट्स बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि पुट का बाइंग बहुत जोरों से हो रहा है और जो लेवल है 17,500 ये सारे पुट्स में बहुत तेजी भयानक बाइंग हो रहा है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मार्केट अगर गैप अप देता है तो पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव के साइड में आता है तो फ्लैट नेगेटिव या नेगेटिव के साइड में जा सकता है। गैप अप ओपनिंग मतलब पॉजिटिव। इसके बाद चलते हैं बैंक निफ्टी को। मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, हम हर रोज कुछ ना कुछ नया चीज़ डालते रहते हैं इसमें। अगर डेली कैंडल चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का फ्यूचर अगर देखें तो सिंपली यहाँ पर भी सपोर्ट 60 में रह के बहुत ही तेज़ी देखने के लिए मिला है। ऑलरेडी एक हाई लेवल पे पहुँच चुका है मार्केट 40,600। यहाँ पर बड़ा सा सपोर्ट जो है 39,800 का एक मेजर सपोर्ट है। मार्केट अगर इस सपोर्ट में रहता है आकर फिर से एक रैली देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन अब तक प्राइस के पास कोई भी मूविंग एवरेज नहीं है, तो किसी के सपोर्ट ना बिना मिले हुए प्राइस ज़्यादा रैली नहीं करेगा। यहाँ पर भी एक राइजिंग वेज आपको देखने के लिए मिल सकता है। प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड पॉजिटिव ट्रेंड में है, लेकिन थोड़ा सा नीचे आके ऊपर जाएगा। कल आपको फ्लैट या फिर हल्का सा पॉजिटिव देखने के लिए मिल सकता है डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से। आवरली कैंडल चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे ऊपर के साइड में डबल टॉप बनाया हुआ है, आज दो बार एक हाई में टच करके वापस आया है, तो यहाँ पर भी लोग कन्फ्यूज़ हुए हैं। हो सकता है कल अगर 40,800 के ऊपर अगर मार्केट मिला तो आपको रैली देखने के लिए मिल सकता है। 15 मिनट चार्ट में फिर से आप देख सकते हैं RSI में बहुत ही जोरों से गिरावट है, तो यहाँ पर देखिए मैं मार्केट को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ। हो सकता है दो तीन दिन के अंदर पॉजिटिव मिले, लेकिन कल के लिए मार्केट बहुत ही कंफ्यूजिंग है, कल मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन गैप अप ओपनिंग मतलब तेजी, अगर मार्केट फ्लैट में खुलता है या फिर नेगेटिव खुलता है या फिर मार्केट खुलने के बाद पॉजिटिव की तरफ जाता है तो मैं उतना तेजी नहीं मानूंगा, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट के मामले में अगर बैंक निफ्टी को देखें, तो ये हो गया एट द मनी की जो कॉल है 40,700 का। अगर कॉल राइट्स के बारे में देखा जाए तो 42,000 के कॉल राइट्स हो रहे हैं, ओके। उसी के साथ अगर पुट के साइड में देखें आउट ऑफ द मनी पुट्स तो आपका 40,000 के पुट्स बाइंग हो रहा है, तो कॉल इधर राइट हो रहा है और पुट के साइड में बाइंग, तो यहाँ पर भी मार्केट में लोग थोड़ा नेगेटिव साइड ही सोच रहे हैं। और यहाँ पे एक डेटा मिल रहा है 42,400 का, यहाँ पर ऑप्शन बाइंग हुआ है लेकिन नहीं लिक्विडिटी नहीं है, चलिए इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन पुट के साइड में बाइंग और कॉल के साइड में राइट, मतलब हल्का सा लोग नेगेटिव सोचकर ही पोजीशन बना के रखे हुए हैं। कोई पुट स्प्रेड लिया हुआ है मतलब मार्केट डाउन जाएगा, या फिर ऐसा ही कुछ स्ट्रैटेजी जो मार्केट फ्लैट और डाउन जाने पर कुछ पैसा मिले। लोग मार्केट को लेके बुलिश हैं लेकिन ग्लोबल मार्केट सपोर्ट ना होने के कारण उतना तेजी नहीं सोच पा रहे। आशा करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक।